जिसका हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो चीजें दोस्तों यहाँ पे पूरी हो गई है। आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रहा है, बहुत ही बड़ा दोस्तों अनाउंसमेंट जो है आज की इस वीडियो में आप लोग को करने वाला हूँ। सबसे बड़ा सरप्राइज दोस्तों आज उसे मैं रिवील करने वाला हूँ। और केवल इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के जो लगातार कमेंट्स आते रहते हैं वो कमेंट्स को दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये है दोस्तों वीडियो Q&A नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के सभी सवाल लेंगे जो बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग को गुड न्यूज देना चाहूंगा, तो आप लोग मेरे पीछे देखिए दोस्तों, फाइनली आप सभी 10 एंड 12 के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दोस्तों, 10 एंड 12 एवरी बच्चों को सबसे बड़ा सरप्राइज जो है मैं देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सीख हिंदुस्तान के जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है, जितने भी व्यूअर फैमिली है, सभी को जो है बहुत ही बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। और गुड न्यूज कौन सा होने वाला है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 1, 2 और 3 आप लोग मेरे पीछे देखिए, ये गुड न्यूज होने वाला है दोस्तों गिवअवे का। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप लोग के लिए गिवअवे मैं करने वाला हूं, तो फाइनली दोस्तों आज वो डेट आ गया है, अनाउंसमेंट का डेट आज दोस्तों आज से ये शुरू हो गया है। यानी कि जितने भी 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जब विनर का नेम अनाउंस हो तो वो आपका ही नेम अनाउंस हो। तो चलिए दोस्तों आज से ही शुरू हो चुका है। इसके रूल्स क्या है तो सबसे पहले रूल्स को मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं Q&A नंबर 1 जो वीडियो होने वाला है इसको मैं जल्दी से जल्दी शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले रूल्स काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है, जैसे कि ये मैं पहली बार नहीं करा रहा, इससे पहले लास्ट ईयर में हर एक साल जो है बच्चों को ये करवाता हूं। बच्चे सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी दोस्तों 2023 के जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं आप लोग भी अपना भर के सपोर्ट दिखाइएगा। आप लोग दोस्तों सबसे पहले रूल्स में बात कर लूं तो रूल काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। हमारे चैनल पे दोस्तों जितने भी वीडियोस आएगी उसमें आप लोग को उन सभी वीडियोस को लाइक करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो वीडियोस को आप लोग देखेंगे लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोग के एग्जाम से जुड़े हुए मैं आपको बताता रहता हूं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में क्या क्या चीजें आ सकती है, बोर्ड से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट 100% गारंटीड क्वेश्चन है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूं। तो एवरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आप लोग सीख हिंदुस्तान के फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियोस पे यानी जितने भी चैनल पे वीडियो आएगी उन वीडियोस में दोस्तों सबसे ज्यादा जो कमेंट करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे हमारे एवरी वीडियोस पे कमेंट करेंगे, उन्हीं में से एक स्टूडेंट्स को जो है मैं सिलेक्ट करूंगा एज ए गिवअवे विनर। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूं, इसका जो विनर्स का जो नेम अनाउंस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट संडे को करूंगा। तो फटाफट दोस्तों वेट का किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से जाइए दोस्तों इसी वक्त जो है इस वीडियो को लाइक करिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट ये तीनों रूल को आप लोग जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। आप शुरू करते हैं Q&A नंबर 1 का जो है इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी आप लोग के अब सवाल को ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरूप का कहना है कि ये जो है 2 सब्जेक्ट में प्री बोर्ड में फेल हो चुके हैं और स्कूल कह रहे हैं कि इनको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो क्या ये सच है कि एडमिट कार्ड नहीं मिलता है प्री बोर्ड में फेल होने के बाद? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि प्री बोर्ड में आप फेल हो गए हो या प्री बोर्ड में आपके कम नंबर आ रहे हो तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। स्कूल आपको बेशक डरा रहे हैं, डरा इसलिए रहे हैं ताकि आप बोर्ड को लेकर पढ़िए, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर खराब होगा तो स्कूल का भी रिजल्ट खराब होगा। स्कूल नहीं चाहता कि कोई भी जो है रिजल्ट खराब करे, उसका स्कूल का जो है कोई भी बच्चा रिजल्ट खराब करे। यही कारण है दोस्तों कि स्कूल आपको डरा रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। यानी कि बोर्ड का ये कोई भी रूल नहीं है कि प्री बोर्ड में खराब होने के नंबर वजह से बच्चों को एडमिट कार्ड ना दिया जाए। एडमिट कार्ड दोस्तों हर हाल में दिया जाएगा, तो आप भी निश्चिंत रहिए। जो बच्चे का पेपर खराब चला गया है, प्री बोर्ड फेल हो गए हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एडमिट कार्ड जरूर मिलेगा। अभी आपको डरा रहे हैं स्कूल, उनको बोलने दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल बोर्ड की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। आपको लास्ट में जो स्कूल बोल रहे हैं ना वही आपको लास्ट में एडमिट कार्ड देंगे, तो एडमिट कार्ड नहीं रुक सकता है, किसी बच्चे का नहीं रुक सकता है। तो ये चीजें आप लोग को यहां पे पहला आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है यहां पे स्नैपी का है, इनका कहना है कि सर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, क्या प्री बोर्ड नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसको लेकर मैं बता दूं आपको, स्टूडेंट्स प्री बोर्ड देंगे या नहीं देंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन मैं एवरी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा, यानी कि एवरी स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि प्री बोर्ड आपके स्कूल में हो रहा है तो उसमें शामिल होइए, क्योंकि प्री बोर्ड में शामिल होंगे तो आपकी बोर्ड की तैयारी होगी, उसके लिए आप पढ़ेंगे भी। और प्री बोर्ड में आप शामिल होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप बोर्ड से पहले कितने ज्यादा तैयार हैं, यानी कि आप बोर्ड को लेकर कितने तैयार हैं। तो एक मिरर जो है मिरर का काम करेगी
प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में आप बोर्ड से पहले का जो है अपना रिजल्ट देख पाएंगे, यानी प्री बोर्ड का जो आपका रिजल्ट आएगा वहीं से आप लोग देख पाएंगे कि मैं बोर्ड को लेकर कितना तैयार हूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्री बोर्ड को मत छोड़िए, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर रीजन है प्री बोर्ड छोड़ने का तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास कोई रीजन नहीं है वो प्री बोर्ड को जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का है कि एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा, क्या शॉर्ट अटेंडेंस होने की वजह से एडमिट कार्ड रुकती है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहला मैं आंसर देना चाहूंगा, एडमिट कार्ड दोस्तों यूजुअली जो है हर बार जो है आपको फरवरी के स्टार्टिंग में दे दिया जाता है। तो इस बार भी दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से एडमिट कार्ड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अटेंडेंस शॉर्ट किसी का रहता ही नहीं है, यानी कि हमेशा ये देखा गया है कि स्कूल जो है बच्चे का पूरा कर ही देते हैं अटेंडेंस, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे के पास अटेंडेंस शॉर्ट है तो आप स्कूल को जो है मेडिकल दीजिए, या फिर आपकी अटेंडेंस जो कम हुई होगी उसके पास आपके पास कोई वैलिड रीजन भी होगा तो उन्हें दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एडमिट कार्ड दे। अगला सवाल बढ़ते हैं, नीरज कुमार का सवाल है, ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर दोस्तों मैं तीन जो है क्राइटेरिया आपको बता चुका हूं, वीडियो देखिएगा तो ज्यादा डिटेल में आपको वहां पर पता चलेगा। फिलहाल मैं यहां पर बताऊंगा ग्रेस मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स केवल उन्हीं को मिलेगा जो फेल हो रहे होंगे, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपका जो है पासिंग रूल है। तो अगर किसी बच्चे का जो है 100 में से 33 नहीं बल्कि 32 आ जाता है, 31 आ जाता है या फिर 30 आ जाता है, यानी दो या तीन नंबर से कोई फेल होता है, तो टीचर्स के पास दोस्तों 5 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स के होते हैं, यानी 5 नंबर जो है एक टीचर बच्चों को दे सकता है। तो ग्रेस मार्क्स दोस्तों आपको मिलता है, ये केवल उन्हीं को मिलता है जो फेल हो रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे पास हो रहे होते हैं उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, उन्हें मॉडरेशन की फायदा मिलती है। तो वो जो है आप लोग डिटेल वाली वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या ग्रेस को लेकर अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि ग्रेस को लेकर वीडियो बना दीजिए एक और डिटेल में तो भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है यहाँ पे सुभि का है, इनका कहना है कि एनसीईआरटी से कितना सवाल आता है। तो एनसीईआरटी को लेकर दोस्तों मैं बता दूं तो 100% पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी प्लस जो है आप लोग एक सैंपल पेपर कर लीजिए, आपके 100 में से 100 नंबर यहीं से बन जाएंगे। केवल आप लोग सैंपल पेपर परचेस नहीं करना चाहते, केवल एनसीईआरटी से ही आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो 80 नंबर का जो पेपर है ना उसमें आप 70 प्लस मार्क्स को ईजिली ला सकते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के। तो ये जो है इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी पहले इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी पहले करिए, उसके बाद जो है अदर बुक को आप लोग शामिल करिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल जो है यहाँ पे एसके का है, इनका कहना है कि अब स्कूल जाएं या घर बैठकर ही पढ़ाई करें। तो इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्कूल जाना अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप स्कूल जाइए, अदरवाइज अगर स्कूल इंपॉर्टेंट जाना नहीं है तो आप छुट्टी कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम करीब आ चुका है, अब आपकी अटेंडेंस जो है 75% वो पहले ही काउंट हो गई है, यानी सीबीएसई बोर्ड को भेजा जा चुका है, अब एडमिट कार्ड आएगा तो अटेंडेंस का जो है कोई चक्कर नहीं है, अब आपको अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको और भी समझना है, इंटरनल असेसमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आपको कोई वर्क है स्कूल में जिसकी वजह से टीचर आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग छुट्टी कर लेंगे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर टीचर आपको 20 में से जो 20 देने वाले थे वहां पे आपको 0 दे देंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरीके से थे आप लोग के सवाल, आई होप दोस्तों आप लोग के ये सवाल तो क्लियर हो गए होंगे, और भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे बेझिझक पूछ सकते हैं। पूरे वीक में दोस्तों जितने भी सवाल आएंगे उसको Q&A 2 में जो है मैं आपको कवर करूंगा, एवरी संडे दोस्तों Q&A वाली वीडियो आएगी। तो दोस्तों आप लोग जितना भी सवाल है दोस्तों नीचे पूछिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो नीचे कमेंट करके, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर करके गिवअवे में फटाफट पार्टिसिपेट हो जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि एवरी बच्चे जो है इस गिवअवे में विनर हो, मैं चाहता हूं कि एवरी बच्चे जो है यहां पे जो है अपने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों एक चीज मैं आपसे यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो मैं एक विनर बना रहा हूं संडे को, लेकिन अगर आप लोग और ज्यादा सपोर्ट होगा तो 2 विनर 3 विनर एक साथ जो है 4 विनर भी मैं अनाउंस करूंगा। ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, जय हिंद।